दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बिलाल इफ्तखार खान, पाक मीडिया फॉर पॉजिटिव चेंज की जानिब से। दोस्तों, पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। 1438 हिजरी का रमज़ान, कल जिसका पहला रोज़ा होगा वो आ रहा है। एक माह मुकद्दस है और ख़जानों से और अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ ये एक महीना है। लेकिन ये महीना जो है हमसे बहुत सी चीज़ों के तकाजा करता है। देखें, अल्लाह ताला को इस चीज़ की हाजत नहीं कि हम जो है वो भूखे प्यासे रहें। अल्लाह ताला ने रोज़े इसलिए हम पे फ़र्ज़ किए ताकि हमें भूख और प्यास में एहसास हो कि हमारे वो बहन भाई जो उतना कमा नहीं सकते हैं कि वो अपनी ज़रूरियात पूरी कर सकें, हमें कुछ इदराक हो कि वो उनको जब भूख लगती है तो कैसा उनको महसूस होता है, उनको प्यास लगती है तो कैसा महसूस होता है। यानी कि हमारे दिल को जगाने के लिए, हमारे अंदर एहसास पैदा करने के लिए अल्लाह ताला ने ये हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। और उसके बाद ये है कि जैसा कि हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आया है कि रमज़ान के महीने में शयातीन बंद हो जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस महीने के अंदर गुनाह भी जारी रहते हैं और बहुत सी बुराइयां बल्कि ज़्यादा होने लग जाती हैं, गुस्सा ज़्यादा आता है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। ये बेसिकली हमें बताता है ये रमज़ान का महीना कि भाई कि सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है वो आपके अंदर बैठा हुआ है, वो आपका नफ्स है। और नफ्स जो है वो शैतान से भी कई गुना कई दफ़ा आगे बढ़ जाता है अगर वो सरकशी पर शिकार हो। तो मेरे दोस्तों, एक और मैं जो आपसे बात करना चाहूँगा कि रमज़ान, मैं शुगर का मरीज़ हूँ और पिछले साल मैंने रोज़े पूरे रखे, से उससे पिछले साल मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया और हुक्म दिया कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेता हूँ, आप रोज़े ना रखें। और बदकिस्मती से मैंने रोज़े नहीं रखे। पिछले साल रोज़ों का फ़ायदा ये हुआ कि मेरी डायबिटीज़ जो बहुत हाई मेरे ब्लड शुगर लेवल था, वो रोज़ों के बाद 2-3 महीने तक बिल्कुल नॉर्मल रहा। मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ रोज़ा रखने का, मेरी सेहत अच्छी हो गई। कई ऐसी बीमारियाँ कॉम्प्लिकेशन जिन जो मुझे फ़ील हो रही थी वो रोज़ों के बाद बिल्कुल ठीक हो गई। तो आप सबसे भी मैं ये कहूँगा अपने तजर्बे की बुनियाद पे कि आप कल जो रमज़ान शुरू हो रहा है एक नियत कर लें। पहली बात ये है कि मैंने रोज़े हर हालत में रखने हैं और इन रोज़ों के अंदर अपने अंदर पॉजिटिव चेंज को लेके आना है, क्योंकि ये बेहतरीन मौका है, ये बेहतरीन मौका है, क्योंकि अल्लाह की रहमत और मदद आपके साथ होती है। इसमें हम ये वादा अपने आप के साथ करेंगे, हम रोज़े का हक अदा करेंगे और रोज़ा जो हमें सिखा रहा है उसे सिर्फ हम एक महीने के लिए नहीं समझने की कोशिश करेंगे, बल्कि अगले साल तक हम उस चीज़ पर अमल करेंगे, उस पैगाम पर अमल करेंगे जो रोज़ा हमें देखे जा रहा है। और मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि जिस नियत के साथ आप इस माह मुबारक का आगाज़ करेंगे और उसी हिसाब से आपको उस नियत के ऊपर ही आपको ब्लेस किया जाएगा, आप पे रहमतें भी होंगी। और इसमें फिर मैं ये कहूँगा कि अपने पेट के साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें, अपने ख़ास तौर पे आपके घर जो मुलाज़मीन काम कर रहे हैं, आपके दफ्तर में मुलाज़मीन काम कर रहे हैं। देखें, इंसान बनना बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला ने हमारे अबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अशरफुल मखलूकात करार दिया अहसन तकवीम का। तो अहसन तकवीम बनने के लिए इस नफ्स के ऊपर जो सरकश घोड़ा है इसके ऊपर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। कल से आपको पता चलने लग जाएगा, जो आप हर साल देखते हैं, कि नफ्स आपका कितना डेडली कई दफ़ा हो जाता है। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ान में हम पे रहमतें और बरकतें फरमाए और हम अपने अंदर एक मुस्बत तब्दीली ला सकें। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं 40 साल का हो रहा हूँ, इस साल हो जाऊँगा, और 40 साल में मैंने ये देखा है कि ज़िंदगी बड़ी स्पीड पर ख़त्म हो जाती है। जवानी की जो थ्रिल होती है, कुछ और आपकी प्रेफरेंसेस होती हैं, फिर एक ये जाती है कि आपको चीज़ें समझ आने लग जाती है कि मैं जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा था वो तो बड़ी सेकेंडरी हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले जो है मैं अपने वालिद साहब की उंगली पकड़ के जो है वो जाया करता था, और आज मेरे बच्चे मेरी उंगली पकड़ के चल रहे हैं एंड आई एम गेटिंग ओल्ड। पिछले 5-6 सालों के अंदर मेरी आप दाढ़ी देख रहे हैं कि उसके अंदर भी सफ़ेदी आ गई है। मैं बड़ी स्पीड पर अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा हूँ, हम सब बड़ी स्पीड हर सांस के साथ हम अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। तो मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट भी ये है, मशवरा भी ये है कि आएँ इस माह मुबारक के फ्यूज़ और बरकात समेटें, अपने अंदर एक मुस्बत तब्दीली लेके आएँ, एक मुसलमान बने। और इस चीज़ का ख्याल रखें कि एक हस्ती ऐसी थी जो आज से 1400 साल पहले हमारे लिए आंसू बहाती थी और हमारे लिए दुआएं करती थी। हमने मरने के बाद उस हस्ती को चेहरा भी दिखाना है, उसका सामना भी हमारा होगा। तो इज़्ज़त का और इज़्ज़त नफ्स का और अपनी इज़्ज़त का तकाजा ये है, गैरतमंदी का तकाजा ये है कि हम उस मोहब्बत करने वाले नबी की जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो वो हमारे बारे में सोचते थे, जो मोहब्बत करते थे, हम उसके ऊपर जो है प्रूफ करके दिखाएं कि वाकई या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप ही के उम्मती हैं और आप पे हमारा जान माल सब कुछ कुर्बान, आपका अहकामात हमारे लिए सबसे आगे। आएँ अपने अंदर एक मुस्बत तब्दीली लेके आएँ। थैंक यू।